नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन, जानते हैं क्या है खबर। होली के रंग हास्य के संग कार्यक्रम ने लोगों को खूब हंसाया। जानते हैं पूरी खबर। अंबाला रोड स्थित होटल स्काई लॉड में सारंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा बाल नृत्य व हास्य की फुहारों के बीच होली के रंग हास्य के संग शानदार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत बालिका सोनाक्षी अरोड़ा ने गणेश वंदना से की। तत्पश्चात श्रेया मैनी ने भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। नृत्य की शुरुआत रिदम मिगलानी आराध्या कपूर ने कथक नृत्य से सभी का मन मोह लिया, जिसे देखकर सभी दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। रामकिशन भारती व विजय त्यागी हास्य कलाकारों ने पुलिस चोर की हास्य झलकी दिखाकर सभी को लोटपोट कर दिया। आकृति पवार, परी जैन, आरुषि, कनिष्का, गगन नेजा, भूवी कालड़ा व वीर ने शानदार नृत्य किया, जिसे देखकर सभी ने तालियां बजाई। रवि बख्शी ने होली के मतवालों को खूब हंसी के गोल गप्पे खिलाए। संस्था अध्यक्ष रमेश चंद्र छबीला जी ने भी सभी को हसगुल्ले खिलाकर स्वागत किया। पत्रकार सतीश शाह ने पंजाबी गीत गाकर वातावरण पंजाब में कर दिया। नगर के वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेश निझावन ने रावण के डायलॉग सुनाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। बदल सकता हूँ सबको, तो रात से नूर बनकर हूँ निकलता, अपने दरबार से कैदों के दम से पुल हूँ, पुत्री सर्वेश हूँ, सब चुकर मेरे आगे, क्योंकि मैं लंकेश हूँ। बच्चे उनके संवादों को सुनकर सहम गए थे। राजू भाई ने बहुत ही सुंदर गीत गाकर सभी को चकित कर दिया। मेरा नाम काम महक नाम का बोलत के दिगारे कौनू मरे नजर एक दिन है तू मेरी चाल जी कहे बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी वारा तो कभी ठिकाना। सरदार त्रिजोत सिंह व अश्मित ने भी चुटकुले सुनाए। पुनीता शर्मा ने होली आई रे गीत सुनाया। सभी ने उनका तालियों से स्वागत किया और सहयोग किया। समाज सेवी वेद प्रकाश पोपली जी ने भी जिंदगी के ऊपर बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। टीवी कलाकार अनस व वाहिब ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गीत सुनाया। सभी ने खुले मन से उनके गीत को सराहा। व्यापारी नेता रवि जुनेजा व सरदार एमपी सिंह चावला ने भी सभी को अपने अंदाज में चुटकुले सुनाकर खूब गुदगुदाया। अरे भगवान दर्जी की पे 28% जीएसटी लगती है, तो इसलिए जो है 70%। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा है कि होली का त्यौहार मनोहर रंगों का त्यौहार होता है। यह त्यौहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है। हमें अपने अंदर के विकारों को इस होली दहन पर जला देना चाहिए और प्यार मोहब्बत समर्पण भाव से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। नगर के महापौर संजीव वालिया जी ने भी कहा है कि होली हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस दिन सभी लोग गिला शिकवा भुलाकर साथ रहने का संकल्प लेते हैं और यह संदेश देता है कि हम सब धर्म से अलग हटकर भाईचारे के रूप में यह त्यौहार मनाएं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए अतिथि भारत भूषण, राजीव गुप्ता एडवोकेट, मुकेश शर्मा एडवोकेट, अशोक पोसवाल, सौरभ जैन, राजकुमार ढींगड़ा, राजेश भगत, हरीश अरोड़ा, आशु सिद्धू, प्रवीण चानना, विनोद मिगलानी, विनय बख्शी, दिनेश दत्ता, संजय मेहंदी रत्ता, अशोक अरोड़ा, जगदीश जायसवाल, महेश रजरवाल, विनय वत्स, सनी भाटिया, मनप्रीत सिंह दुआ, करुण प्रकाश, विजेंद्र त्रिपाठी, पार्षद मुकेश गंखड़, प्रदीप पवार, राजकुमार राजू, सरदार भूपेंद्र सिंह, रमेश यादव, सुरेंद्र सचदेवा, राजनीति रावत, अशोक शर्मा, विनय अरोड़ा, प्रवीण गुलाटी, दिनेश चावला, चंडी प्रसाद, धर्मपाल खुराना, वासिल भाई, राहत अली खान, दिनेश जैन, अशोक भाटिया, दीपक जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन रवि बख्शी व अरुण कुमार सूरी ने
गुदगुदाते हुए किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने नन्हे मुन्ने बच्चों को सम्मान पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। आज केवल इतना ही। और अधिक ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क के साथ।